तो ये मिनिएचर से एब्स्ट्रैक्ट में कैसे गए आप? ये ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि जो लोग मिनिएचर करते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, और जो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो एक और ही दुनिया में रहते हैं। मेरी जो एब्स्ट्रैक्शन है वो आ वहीं से रही है एक्चुअली। वो हाँ टाइम के साथ पिछले कोई 20-25 सालों में इवॉल्व होते होते हाँ वो इस मिनिमल हो गया है काम हाँ सारा, तो एब्स्ट्रैक्शन उसके साथ आई है। लेकिन वो जो अगर पूरी जर्नी देखें तो वो बहुत मज़ेदार तरीके से रूटेड है कहीं पे, तो उसमें से निकल के आ अच्छा, रही है मैं जब वो। आपका काम देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ वोवन है, देर आर पैटर्न जो वीव वीव की तरफ ले जाते हैं। ये दिस दिस हैपेंड बिकॉज आप टेक्सटाइल में इंटरेस्टेड थे, आई थिंक पैटर्न और है टेक्सटाइल में ना? इंटरेस्टेड थी हमेशा से, हाँ तो ये वहीं से आ रहा है एग्जैक्टली। लेकिन जो मिनिएचर टेक्निक है उसमें जो जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे हाँ लगती थी वो लगती थी उसकी रेपिटेशन। आप हाँ बैठे हुए और एक स्ट्रोक के बाद एक स्ट्रोक आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हाँ आप किए जा रहे हैं। एक अमल है जो बहुत स्लो है और बहुत मेडिटेटिव है, तो वो जो उसकी मेडिटेटिव आस्पेक्ट था वो मुझे बहुत पसंद था। वो जो मेरे अभी भी मैं पैटर्न कर रही हूँ वो अगर आप देखें तो वो वही है कि एक चीज़ है जो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। जब मैं उसको बनाती हूँ वो इन लेयर्स में डेवलप होता है काम सारा, तो वो उसके पीछे भी वही, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। जो बाद में क्या बनेगा क्या नहीं, मैं तो वो प्रोसेस से सब कुछ मिल जाता है मुझे, जो मुझे चाहिए होता है। तो ये जो आपकी जो टेपिस्ट्री है, इज दैट व्हाट इट इज? जो आपका मैंने पहली जी दफा आई वाज जी आगा खान इंट्रोड्यूस म्यूजियम है जी। आगा खान म्यूजियम में, आई वाज टोटली फैसिनेटेड हाँ एंड आई सेड आई वांट टू नो यू कौन है एंड आई वांट टू हाँ मीट हर एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट हाउ हाँ फिनोमिनल यू थैंक्स। आर। इट वाज सो अमेजिंग। यू नो हम कितनी देर में, मतलब सब लोग और जगह चले गए आपको पता है, और मैं कितनी देर खड़े होकर उसको देखती रही, और फिर मैं कभी इधर से देखूं, फिर मैं कभी उधर से देखूं, और मैं उसको समझने की इतनी कोशिश कर रही थी। इट वॉज सो अमेजिंग। वो आइडिया कहाँ से आया था कीलों का? जी वो ड्रेस मेकर पिंस हैं जो कि मैंने पहला जो काम बनाया था वो एक जैकेट थी, तो अच्छा वो मेरी एक अपने साइज़ की एक जैकेट थी, अच्छा और उसके ऊपर मैंने पूरा पैटर्न ऐसे बनाया था कि वो एम्ब्रॉयडर्ड लगे, लेकिन जब आप उसको खोलते थे तो अंदर रेड सिल्क थी और वो शार्प साइड अंदर थी। अच्छा वो एक सूफी कॉन्सेप्ट था, उसका टाइटल था अपेयर एज यू आर बी एज यू हाँ अपेयर। तो वो मेनली यही था कि जो रूमी की पोइट्री से है ये वर्स, कि जो इनलाइटनमेंट है या जो एक अवेयरनेस है, जो विजडम है, वो एक खास पेन से गुजरे बगैर आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो कनेक्शन बना नहीं पाते आप। तो वो दो साइड्स थी उसकी, कि बाहर एक जो ब्यूटी नज़र आती है उसके अंदर क्या है, एक पूरा एक प्रोसेस है पेन का। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने कश्मीरी शॉल की शारजा आर्ट हाँ म्यूज़ियम के लिए, फाउंडेशन के लिए उन्होंने मुझे कमीशन किया था, और उसके बाद ये थर्ड मेरा ये था जो मैंने आगा खान म्यूज़ियम के लिए, और अभी रिसेंटली एक क्वींसलैंड में ओपन हुआ है, वो उससे भी बड़ा बड़ी टेपेस्ट्री है अच्छा, जो की है मैंने। तो ये हाउ डिड इट कम टू यू? एक्चुअली मैं ये बात कुछ मटेरियल यूज़ कर रही थी जिसमें नीडल्स थे और ड्रेस मेकर पिंस थी, कि वो चीज़ें जो कि कोई चीज़ कोई कंफर्ट देने के लिए आपको आप यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारे कंफर्टर्स होते हैं उनको जो हम सीते हैं उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी सुइयाँ यूज़ हाँ होती हैं, बिल्कुल, तो बक्सुए। बक्सुए एग्जैक्टली। तो वो हाँ बक्सुए जो हैं वो मैंने क्या किया कि क्विल्ट लिया और उसको सीने के बजाय जहाँ जहाँ उसके टांके आने थे वहाँ वहाँ मैंने वो बक्सुए जो हैं वो लगा दिए। अच्छा तो मेन पर्पज़ उसका था कि जो चीज़ कंफर्ट देने के लिए है वो वही आपको तकलीफ़ भी पहुँचा सकती है, हाँ, और वो खुद भी आपको कंफर्ट देने से पहले खुद तकलीफ से खुद गुजरती तकलीफ से है। गुजरती है। तो हाँ वहीं से फिर ये ड्रेस मेकर पिन वाले आए कि ये भी हाँ ड्रेस बनाने के लिए यूज़ होता है ना, कि जब आप हाँ कटिंग करते हैं वो करते हैं तो आप बिल्कुल यू यूज़ बिल्कुल इट, तो वही वो मेन कॉन्सेप्ट यही था इसके पीछे। हाँ। हाँ एंड देन इट गोज बैक टू योर मदर ट्रेनिंग यू हाउ टू एग्जैक्टली एम्ब्रॉयडर, वहीं से आ रहा है है ना? सब वही कुछ, सुई और वही वही धागा और धागा वो उससे से गुजारना, बिल्कुल है ना, कपड़े में उसको तकलीफ एग्जैक्टली। देना पैटर्न बनाने के लिए। और वो दैट्स अमेजिंग। सेंसिबिलिटी जो है वो तो हाँ सारी वहीं से, मैं एक सिंपोजियम में थी रशिया में कुछ साल पहले, तो वो माई डिस्कशन एक हो रही थी पैनल डिस्कशन जो है उसमें वो उन्होंने एक मौजू उठाया कि जो आर्टिस्ट की डोमेस्टिक स्पेस के बारे में, तो मेरी जो मैंने जो बात करनी थी उसमें मेनली मेरा यही था कि वो डोमेस्टिक स्पेस
को रिलेट करते हैं ज़्यादा स्टूडियो स्पेस से या फिर उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से पढ़ के निकलते हैं ना, और जबकि मैं देखती हूँ कि वो डोमेस्टिक स्पेस जो है वो है जो मेरे घर से आ रही है, जो मेरी मदर से आ रही है, जहाँ से मैंने बोलना लिखना पढ़ना सीखा है, जहाँ से उस जगह से वो आ रही है सारा स्किल्स और वो अवेयरनेस और वो सारी सेंसिबिलिटी आर्ट की। पहली चीज़ अम्मी को क्या बना के दी थी? अम्मी को बना के दी थी, मुश्किल है याद करना, मेरा ख्याल है घर की कोई चीज़ बनाई होगी, क्योंकि वो कई दफ़ा हम बहन ने मिलके वो कोई बड़ी सी चादर भी बना लेते थे, कोई बेड कवर या कोई इस टाइप की चीज़, तो वो शुरू कर लेते थे, कई दफ़ा बीच में भी छोड़ देते थे, फिर अम्मी को दे देते थे, आप कंप्लीट कर लें इसको, तो इस तरह की बहुत चीज़ें की हुई हैं। पहली ईदी याद है आपको? आपको जब पहली ईदी मिली तो क्या मिली थी? 2 रुपए मिले थे। जी बिल्कुल याद है, ईदी हमारा बहुत एहतमाम होता था, ईद पे नानी के घर से कपड़े आते थे। अच्छा। जो हमारी नानी अम्मा थी वहाँ में इंतज़ार होता था, क्योंकि ईद के कपड़े छोटी ईद पे वहाँ से आया करते थे हमारे, उसमें जूते भी शामिल होते थे। तो मुझे याद है कि एक ईद पे भोपाली कुर्ते, मैं बहुत छोटी थी तो भोपाली कुर्ते उन्होंने बनवा के भेजे, और मुझे मेरी बहन को, और साथ में चप्पल, वो जो उस ज़माने में वो जिसमें टैसल्स लगे हुए होते थे बड़े खूबसूरत, हाँ। तो वो पहुंच नहीं पाए थे ईद वाले दिन, तो ईद से एक दिन पहले तक हम इंतज़ार करते रहे, रात चांद रात पे वो पार्सल नहीं आया, तो हम लोग बच्चे इतने उदास हुए कि हम अब कल क्या पहनेंगे, और हम सो गए बहुत ही मतलब उदास होके कि अब ईद तो हमारी नहीं होगी, सुबह क्या होगा। और मुझे याद है कि अगले दिन जब हम उठे तो वो डाकिया आया और उसने वो डिलीवर किया कि ये आपका पार्सल, चूँकि बहुत लेट था और मुझे था कि इसमें कपड़े होंगे तो मैं ईद वाले दिन आया हूँ देने के लिए, तो वो बहुत ही एक ज़बरदस्त खुशी का वो था, मुझे कभी नहीं भूलता वो, है ना, वो नहीं भूलता, हाँ, वो नहीं भूलता। और कितना इंतज़ार होता था और कितना है तमाम और कितनी ख्वाब कितने देख लिए जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल है ना, कि वो एक एक चीज़ को सजाना, और फिर चांद देखने का था, बिल्कुल था, चांद देखने का था, सारे चढ़ जाते थे ऊपर छत पे, और वो एक पूरा एहतमाम होता था चांद देखने का, मेहंदी लगाते थे और वो सब चीज़ें, और चूड़ियाँ पहनते थे, चूड़ियाँ पहनते थे। डू यू मिस हैविंग, अच्छा खैर यहाँ आऊँगी मैं अभी, ये थोड़ा आगे। अच्छा, तो फिर अम्मा को पेंटिंग बना के दी मिनिएचर अपना? अम्मी अब्बू को बना के दी थी। अच्छा। अब्बू ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप में बनाएं कोई, मुझे बना के दें। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह थोड़ा सा मुझे बताया कि एक बर्ड वाली पेंटिंग थी, उनको पसंद थी, मैंने शुरू कर दी, और वो होते होते कंप्लीट ही ना हो बहुत साल, फिर उन्होंने आखिर में तंग आई कहा कि जैसे दे दो बस मुझे, मैंने उनको वैसे ही फ्रेम करा के दे दी, तो वो मैंने अधूरी थी। जी जी बिल्कुल। आपने कंप्लीट की या नहीं की? वो आज तक नहीं हुई कंप्लीट, वो भी उन्होंने लगाए रखी वैसे ही, वो लगती थी कंप्लीट ही लगती थी ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे पता था कि इसमें काम है अभी, काम है। पहली मोहब्बत बस एक ही मोहब्बत हुई है। अच्छा, really? आज तक और कोई मोहब्बत नहीं हुई, बस एक ही बार हुई थी मोहब्बत, एंड दैट उस बंदे से शादी की हुई, उसके साथ रह रही हूँ। अच्छा, इमरान से? जी। तो ऐसा होता है क्या कि आप अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन कर लेती हैं लेकिन आपको पता होता है कि मेरे अभी उसमें काम था? सुने, कोई काम ऐसा नहीं है जो लगता है कि कंप्लीट हो गया है, आपको छोड़ना पड़ता है उसको खुद ही किसी पॉइंट पे, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट होती है, उसको अगर करते रहें तो पूरी ज़िंदगी आप एक आर्ट वर्क पे लगा सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि किस पॉइंट पे आप आके कहें कि अच्छा बस अब इसको, वो क्योंकि और प्रेशर होते हैं, एक डेडलाइन होती है, काम एग्जिबिट होना होता है कहीं, कोई कुछ और चीज़ें, अगर वो चीज़ें ना हो तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट शायद कंप्लीट ना कर पाए काम। तो किस वक्त आप कहते हो कि नहीं अब छोड़ दो बस, अपने आप को कब कहते हो? बड़ा मुश्किल होता है एक पॉइंट पे आके कि अब इसको बस जाने दो, जाने दो। हाँ। और अपने पेंटिंग्स को बेच लेते हो? पेंटिंग को बेच देते हैं जी। है? जी, बड़ा तकलीफ देह माल होता है ये, एक बहुत तकलीफ देह माल होता है, लेकिन खुशी तब होती है जब कोई बहुत अच्छा कलेक्टर बहुत खुशी से मोहब्बत से उसको जान के और उससे बात करके कि ये मैंने सब समझ लिया है जो आप कह रहे हैं, और वो उसको लेके जाते हैं और उसको रखते हैं, तो वो फिर बहुत खुशी होती है, कई दफ़ा खुशी होती है कि इतनी अच्छी जगह चली गई है ये, इतनी एक ऐसे इंसान के पास जो कि इतना सेंसिबल है और इतना उसको समझ सकता है, उसको फील कर सकता है आपकी चीज़ को, तो अब मुझे लगता है शेयरिंग है, तो वो बेचना कोई अच्छा थोड़ा सा जाता है अंदर से कुछ, लेकिन वो कभी ऐसा हुआ कि कहीं देखा अपने काम को और आपको लगा कि ये सही जगह पे नहीं गए? बिल्कुल होता है ऐसा है? होता है। तो फिर क्या किया था
कुछ भी नहीं, फिर कहती हूँ कि देखें प्लीज़ इसको आपने ऐसे लगाया हुआ है, इसके शीशा साफ़ कर लें, इसका फ्रेम बदल लें, इसको थोड़ा सा कर लें, मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देती हूँ कि वो शायद इसको थोड़ी सा बेहतर तरीके से लगा दें, लेकिन ये दिस इज़ पार्ट ऑफ ये ज़िंदगी है, दुनिया ऐसी है। तो ठीक, पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत बस एक ही मोहब्बत हुई है। अच्छा, रियली? आज तक और कोई मोहब्बत नहीं हुई, बस एक ही बार हुई थी मोहब्बत, एंड दैट उससे बंदे से शादी की हुई, उसके साथ रह रही हूँ। अच्छा, इमरान से? जी।